डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों कम्युनिकेशन क्लास 5, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मास मीडिया और सोसाइटी की। जन मीडिया और समाज का आपस में क्या संबंध है, इसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सभी बातें आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आने के और ये क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद में 2012 से लेके आज तक 2023 तक जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज है जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोज है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई है। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, ICT के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कम्प्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जी तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों समाज की अवधारणा। समाज क्या होता है दोस्तों? समाज एक से अधिक लोगों का समुदाय होता है जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित हैं। लेकिन समाज किसको कहते हैं? जहाँ पे कुछ लोग आपस में मिलजुल के रहते, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे के साथ सामाजिक सुरक्षा के साथ जहाँ पे रहते हैं तो उसको हम समाज कहते हैं। और यहाँ पे एक दूसरे से मेलजोल करते हैं और मेलजोल करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? कम्युनिकेशन चाहिएगा। तो हमारे समाज में किस तरह से कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन करने के लिए किन चीज़ों का हम उपयोग कर, वो चीज़ें हम देखते हैं। देखिए इसमें मास कम्युनिकेशन में हम बात करें तो कम्युनिकेशन करने के लिए, समाज में कम्युनिकेशन करने के लिए हम मास कम्युनिकेशन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दो चीज़ें, एक है कम्युनिकेशन, एक है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक साथ हज़ारों लोगों तक कम्युनिकेशन करना, मास कम्युनिकेशन में आता है। और कम्युनिकेशन में हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आता है और इंट्रापर्सनल भी आता है, जिसमें एक या एक से दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करे, तो वो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में अधिक लोगों तक संचार करना। देखिए जन संचार में जन शब्द जन समूह भीड़ व जनता को बताता है। जन संचार में जो हमारे लोग शामिल होते हैं उसमें जन समूह भी हो सकता है, भीड़ भी हो सकती है और जनता भी हो सकती है, परंतु वास्तव में इन तीनों के विभिन्न अर्थ हैं। जन समूह को समान हित मूल्यों की पूर्ति के लिए संगठित होना पड़ता है। देखिए जन समूह किसको कहते हैं? एक ऐसा समूह जिनका एक मूल्य हो, एक उद्देश्य हो और एक चीज़ के लिए वो इकट्ठा हुए हो। जैसे हम कई बार आंदोलन करते, किसान आंदोलन कर रहे थे तो उसका उद्देश्य क्या था? किसान जो रूल रेगुलेशन लिए थे, उन 3 कानून जो लिए थे उनको वापस लेना सरकार को, वो उनका एक समान उद्देश्य था। भीड़ किसी स्थान पर आकस्मिक रूप से जमा होती है। भीड़ हम किसे कहते हैं? जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई लड़ाई होगी, वहाँ पे लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू, तो उनका कोई एक मतलब कॉमन कोई उद्देश्य नहीं होता।
एक दूसरे को कोई लोग जानते नहीं है, हम भीड़ बोले, लेकिन कम्युनिकेशन दोनों जगह पे हो सकता है अपने। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे जनसंचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। यह शब्द लेटिन भाषा के कम्युनिस से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों, टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू ट्रांसमिट, अर्थात सामान्यकरण, सामान्य भागीदारी, मुक्त सूचना व संप्रेषण, यानी कि ऐसे हमें इंफॉर्मेशन देनी है लोगों लोगों को जो सामान्यकरण, यानी कि जो सामान्य से सामान्य लोग भी उसको समझ सके, नॉर्मल तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देनी, कॉमन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जिसमें सामान्य भागीदारी यानी कि सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के संप्रेषण से सूचना, जानकारी, ज्ञान या मनोभाव का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो ये चीज है दोस्तों। और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि संचार अर्थ का संप्रेषण है, सामाजिक मान्यताओं का संचारण है या अनुभव का बांटना है। अब देखिए, हर थिंकर का अलग अलग सोचना है कम्युनिकेशन क्या चीज़, और कम्युनिकेशन में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अर्थ का संप्रेषण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हम अगले व्यक्ति को बता रहे हैं वो अगले व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। जब तक अगले व्यक्ति को कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को चाइनीज भाषा में लिख के मैसेज भेज दें और वो अगला व्यक्ति हिंदी जानने वाला है तो उसको नहीं समझ पाएगा, तो उसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगले ने तो समझा ही नहीं है इसका मतलब क्या है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और जनसंचार माध्यम हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में। आज के समय में हमारे लिए देखिए, जनसंचार के माध्यम क्या है, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, किताबें, और आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है हमारे पास, इंटरनेट है। तो इनसे क्या है कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, एक तो सूचना देना है इनका, शिक्षित करना है हमारे समाज को, मनोरंजन करना, निगरानी करना, और प्लस में एजेंडा तय करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध करवाना, एक मास कम्युनिकेशन जो मीडिया है उसके बहुत कार्य है हमारे समाज के अंदर। हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं यूज़ एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है एक, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम अलग अलग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग फेसबुक चलाते हैं, कई लोग यूट्यूब चलाते हैं, कई लोग जूम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए जनसंचार की विशेषताएं क्या है, तो जनसंचार किसको कहते हैं, एक साथ हजारों लाखों लोगों तक कम्युनिकेशन करना, इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, ये इसकी लिमिटेशन है। जनसंचार जैसे टीवी पे नरेंद्र मोदी कोई भाषण दे रहे हैं, एक साथ हजारों लोग, लाखों लोग उसको सुन रहे हैं, लेकिन फीडबैक दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता, तुरंत फीडबैक हम उनको नहीं दे सकते। इसमें संदेश की प्रकृति सार्वजनिक होती है, जो भाषण दिया जाएगा वो कॉमन भाषण होगा जो सभी लोगों को समझ में आ सके। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं, डायरेक्टली वो एक दूसरे को नहीं जानते, इनडायरेक्टली हो सकता वो जानते हो। संचारक के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको सिस्टमेटिक वे में कम्युनिकेशन। और इसमें एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों मास कम्युनिकेशन, इसमें ढेर सारे द्वारपाल हो सकते, गेट कीपर कई हो सकते हैं। गेट कीपर का मतलब ये है कि इसमें हमें बताने वाले कई होंगे, जैसे नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे तो हमारे पास चार लोग आएंगे, कहेंगे नरेंद्र मोदी ने क्या गजब का भाषण दिया यार, नरेंद्र मोदी ने तो कमाल कर दिया, वो बढ़ा चढ़ा के बात कहेगा। दूसरा व्यक्ति आएगा, कहेगा यार नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है ना, बात तो ठीक है लेकिन यार ये साइंटिफिक बात नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। और तीसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा नहीं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल गलत बोल रहे थे, हो सकता है वो कांग्रेस का हो, तो इस तरह से ये हो सकता है। हमारे पास गेट कीपर कई आ सकते, अलग अलग आ सकते जी। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे मास कम्युनिकेशन। जनसंचार माध्यमों का समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए एक समय ऐसा था जब टीवी और रेडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था, टीवी लोग देखते थे, उस पर न्यूज़ सुनते थे, समाचार के अलावा वहाँ पे नाटक देखे जाते थे, एंटरटेनमेंट होता था।
रामायण आते थे, उनसे शिक्षाएं लेते थे। लेकिन आज के समय में ये चीजें, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया है, लोगों के देखने का नजरिया भी बदल गया है, और प्लस में जो मास मीडिया है वो भी कंटेंट में अपना फेरबदल उन्होंने कर दिया। कंटेंट वैसा नहीं देते। आज के समय में क्या करते हैं, सास बहू के सीरियल आते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि सास है वो बड़ी गंदी है, सास ननंद है वो भी गंदी है, सास है वो टॉर्चर कर रही है बहू को, बहू बेचार बेचारी दिखाया जाता है बहू के अंदर, और नाग नागिन के सीरियल दिखाए जाते हैं, तो अंधविश्वास फैलाया जाता है। ये तो ये चीज़ें आज के समय में हो रही है। और एक समय ऐसा था जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका मोटिव क्या होता था, समाज में जो कोई घोटाला कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसको उजागर करना उसका मोटिव होता था। लेकिन आज के समय में एडवर्टाइजमेंट मिलने के बाद में वो कोई घोटाला नहीं दिखाते, कोई किसी के गलत चीज़ को नहीं दिखाते, वो उसको छुपा लेते हैं। वो अब उल्टा बन गया, अब उनको छुपाने का नज़रिया वो बन गया। और पहले क्या था कि मास मीडिया का मतलब होता था, जब हमारा देश गुलाम था उस समय देश को आज़ाद करना, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर क्रिएट करके करना, लोगों के अंदर लोगों को मोटिवेट करना। लेकिन आज के समय में काफ़ी चीज़ें बदल गई, और पहले हम इतने एडिक्टेड नहीं थे चीज़ों के, मास मीडिया के, लेकिन आज मास मीडिया हमारे पास भरपूर है। एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा, उसको भी हम क्या कहते हैं, ये ले बेटा मोबाइल ले ले, मोबाइल से खेल ले, उसमें बिजी हो जाता है, रोना बंद कर देता है। तो आज हमारे पास एक्सेस बहुत ज़्यादा है मास मीडिया की, इस वजह से इसके पॉजिटिव इफेक्ट के अलावा नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारे समाज में हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं, तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। तो देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इसमें देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं सोशल मीडिया के और मास मीडिया। देखिए, कनेक्टिविटी यहाँ पे है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे समाज पे, और ये है नेगेटिव इम्पैक्ट। सबसे पहले कनेक्टिविटी, मास मीडिया से क्या है, हम कनेक्टिविटी अच्छे से कर पाते हैं, हज़ारों दूर बैठा कोई दोस्त है उससे हम मिल पाते हैं, वहाँ पे फेसबुक पे मैसेज कर दिया, पुराना दोस्त है उसको हम मिल पाते हैं। और इससे क्या है, साइबर बुलिंग बढ़ी है। जैसे कनेक्टिविटी बढ़ी है तो वैसे साइबर बुलिंग भी बढ़ी है। लोग हमें क्या है कि हमसे फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिए, हमारी फ़ोटोज़ का मिस यूज़ करना शुरू कर दिया है, हमारे नाम से अकाउंट बना के कोई लोग पैसा ले रहा है। फिर है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हम इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ डॉक्यूमेंट भेजने, कई कई बार होता है ना ऐसा कि हम घर पे डॉक्यूमेंट भूल गए हैं, तो अब क्या करते हैं, भाई साहब व्हाट्सअप कर देना मेरे को डॉक्यूमेंट, मैं घर पे भूल गया हूँ, पत्नी को फ़ोन करते, भाई बहन को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। प्राइवेसी कंसर्न, अब नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है इसका कि हमारी प्राइवेसी नहीं रही है, लोग हमारी फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें हमारी फ़ोटोज़ को मैनुपलेट किया जा रहा है, उसको बदल के कुछ ना कुछ और ही चीज़ क्रिएट कर दी जाती है। उसके बाद में इसमें पॉजिटिव की बात करें तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आजकल, आपने देखे होंगे, पहले जैसे टिकटॉकर थे तो टिकटॉकर वैसे तो वो डांस करते थे, लेकिन डांस करने के चक्कर में वो हजारों लाखों रुपए कमा लेते थे। आज भी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे अगर हम देखना चाहें तो बिजनेस अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि इससे एडिक्शन हो रहा है, हम इसके आदी हो रहे हैं। अब सुबह जब उठते हैं चाय पीने से पहले मोबाइल देखते हैं हम, भी क्या नोटिस आया, क्या मैसेज आया, वो हम इसके आदि हो गए हैं। और इस उसके बाद हम देखते हैं सोशल एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म इससे बढ़ गया है, अवेयरनेस फैल रही है, हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चल रहा है। और इसी ज़्यादा से ज़्यादा पता चलने के बीच में कई लोग क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं, गलत अफवाहें फैला देते हैं, जिससे हमारे समाज में किसी समाज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न हो सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। फिर एजुकेशनल रिसोर्स काफ़ी अच्छा है, ऑनलाइन एजुकेशन की एजुकेशन ले सकते हैं हम, पढ़ाई कर सकते हैं आज के समय में,
यूट्यूब पे वीडियोस है, फेसबुक पे है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इससे क्या है कि मेंटल हेल्थ इशू हो रहे हैं, ज़्यादा समय तक मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से हमारे जो आँखें कमज़ोर हो रही, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, खाने पीने का रूटीन है वो चेंज हो रहा है, इससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद में हम बात करें स्पोर्टिव कम्युनिटीज़ है। अब जैसे कई बार होता है कि हम ऑनलाइन डालते हैं ना, भाई हमें 2 यूनिट ब्लड ग्रुप चाहिए, B+ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, तो 10 दोस्त आ जाते हैं, भाई हाँ मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो, तो वहाँ पे स्पोर्टिव कम्युनिटीज़ बिल्टअप हो रही है। और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो जेलेसीज हो रही है, अगर अपनी पत्नी हमें देख ले किसी और के साथ, किसी लड़की को मतलब लाइक कर दिया ना किसी फोटो को, वहाँ पे अपने रिलेशनशिप में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तूने लाइक क्यों किया इसको, है ना, क्यों इसकी इसकी रील देखी क्यों तुमने, तेरे को जरूरत ही क्या थी रील देख, है ना, मेरी फोटो को लाइक क्यों नहीं करता, ये चीज़ें इसमें। करियर अपॉर्चुनिटी की बात हम ऊपर करके आए हैं, ऑनलाइन हेरासमेंट इसमें हो रही, ऑनलाइन हेरासमेंट जैसे ही कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी की फोटोज लेके उसको मिस यूज करने की धमकी दे रहा है, इस तरह से ऑनलाइन हेरासमेंट हमें किया जा रहा है। इसके फिर एक कल्चरल एक्सचेंज, ऑनलाइन हम कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने जो सोशल बिलीव है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और अपनी जो कल्चर है वो किसी और को दिखा, ब्लॉग बनाते हैं ना, वीलॉग बनाते हैं, कल्चर दिखाते हैं, ये देखो मेरा खेत है, मेरे खेत में ये। और इसमें अगर इम्पैक्ट ऑन सेल्फ, इससे क्या है कि हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है। आत्मविश्वास कम कैसे हो रहा है, ऑनलाइन क्या है कि हम चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली करके नहीं देखना चाह रहे हैं। अब जैसे गेम खेलना है, पहले क्या होता था, गेम खेलने के लिए हम आउटडोर जाते थे और बैट बॉल खेलते थे, है ना, इसी तरह के गेम खेलते, फिजिकली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन चीज़ें खेल रहे हैं, तो उससे हमारा सेल्फ स्टीम कम हो रहा है, फिजिकली भी हम कम कमज़ोर हो रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रोंग। फिर एनर्जी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कैन बी अ वेटल टूल ड्यूरिंग एमरजेंसी, सॉरी एमरजेंसी कम्युनिकेशन, एमरजेंसी में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कोई घटना हो गई तो हम फेसबुक पे बता सकते हैं, हज़ारों लोग हमारे पास आ सकते हैं अगर कोई बहुत बड़ी घटना। और फिर है इसके अंदर और हम बात करें तो काफ़ी तरह की चीज़ें दोस्तों, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशंस में हम क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं, नई नई चीज़ें आ रही है हमारे पास, उसे हम क्रिएटिविटी करके देख सकते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये देखो फोवो नई टर्म आई है हमारी, फोवो, फोवो का मतलब ये है कि अगर हम गलती से हमारा फ़ोन कहीं पर रह गया और वो फ़ोन हमारे भाई बहन के हाथ लग गया या अपने पापा के हाथ लग गया, तो हमारे मन में क्या होगा, अब होगी कुटाई बेटा, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सारे राज पता है ना, और पता चल जाएगा हम, अरे तो हमें ये कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें हमारी इन्फॉर्मेशन आउट होने का डर लगा रहता है, किसी को हमारा पासवर्ड पता ना, किसी को हमारे सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ के बारे में पता ना चल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है हम चीज़ों को लेके, तो ये चीज़ें, तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं सोशल मीडिया के दोस्त। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया है हमारा एग्जाम में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव क्रिएट ए, ये क्या क्रिएट कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या क्रिएट कर रहा है, तो सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का एक पूरा समाज तैयार कर रहा है, जहाँ पे नेटवर्क के जरिए लोग जुड़ रहे हैं, जैसे ग्रुप है ना, ग्रुप में हज़ारों लोग होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, तो वो एक मतलब ऑनलाइन समाज तैयार हो। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया का क्या फंक्शन है, ट्रांसमिट कल्चर, ये करके आए हैं ना, हमारे कल्चर एक दूसरे के साथ शेयर करना, अभी मैंने बताया ना वी लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें हम अपना खेत दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। और उसके बाद में देखिए, ये आज का मीडिया सामाजिक एक समीकरण मुख्यतः है, टुडेज मीडिया सोसाइटी इक्वेशन इज लार्जली किस तरह का, कंज्यूमर उपभोक्तावादी है आज का जो मीडिया,
है ना, जो सोशल मीडिया लगा लो, चाहे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो क्या कर रहे हैं, उनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेके आना किसी भी तरह से, चाहे उसके लिए गलत चीज़ें ही क्यों ना देनी पड़े। और उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न मास मीडिया। मॉडर्न मास मीडिया की क्या खासियत है, तो ये है कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी प्रधान। जस्ट अभी हम करके आए, पूंजी प्रधान हमारा मीडिया बना हुआ, उसका मकसद एक ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। इसके लिए लोग फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, बढ़ाव चढ़ाव की चीज़ों को दिखाया जाता है, नाटकबाजी की जाती है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल विद देयर डेस्टिनेशंस। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट जी। दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पे जो चैनल्स है और यहाँ पे टाइप्स दी हैं, इनको हमें मैचअप करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ब्लॉगिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल करते हैं। टेलीविज़न क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये हम सभी देख सकते हैं। देखिए राइट आंसर इसका ए का थ्री है। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है हमारा, सोशल मीडिया। ब्लॉगिंग क्या है, सोशल मीडिया है। टेलीविज़न क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सी का क्या है, टू है। पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स के अंदर आते हैं हम, के अंदर आते हैं प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। फिर है कलेक्शन ऑफ साइट्स, साइट्स का कलेक्शन किस पे होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे होता है। दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से जी। एक मिनट आगे हम देखते हैं इस तरह से किस आ रहे हैं। देखिए एमर्जिंग ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें बतानी है, पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या। अब देखिए इसके अंदर कई दोस्तों को कन्फ्यूज़न होगा, इसमें रेडियो पहले आया था या टेलीविज़न पहले आया था या फिल्म पहले आई थी, क्या पहले। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था दोस्तों, न्यूज़पेपर आया था। सबसे पहले न्यूज़पेपर आया था, उसके बाद में हमारी फिल्म आई थी, उसके बाद में फिर रेडियो आया था, और फिर टीवी आया था, और उसके बाद में इंटरनेट आया था। इस तरह से सीक्वेंस के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये देखिए, द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज़ मेड ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग को न्यू मीडिया ने क्या बना दिया, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बना दिया है। अब हम स्वतंत्र रह के कैसे भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, रात के 2 बजे करना चाहे तो 2 बजे कर सकते हैं, वीडियो को धीरे धीरे स्किप करके देखना चाहिए तो वैसे कर सकते हैं, जैसा पढ़ना चाहिए अपनी स्टडी करना चाहिए वैसे। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी हमारा अब आ गया है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, और काफ़ी क्वेश्चन हमारे इसमें आए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल इंस्टीट्यूशन। ये देखो, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हमारा क्या है, हमें हमारे कल्चर के बारे में कहाँ से पता चलता है, हमारे कल्चर के बारे में हमें फैमिली से पता चलता है। हमारी फैमिली जैसा आचरण करेगी वैसा ही बच्चे सीखेंगे। फैमिली में अगर हम रिस्पेक्ट से नहीं बात करेंगे एक दूसरे से, तो बच्चे भी तो वैसा ही सीखेंगे ना हमारे। तो जैसा व्यवहार अपना होगा अपनी फैमिली में, फैमिली के लोगों का, वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो ये कल्चरल इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा है हमारी फैमिली। तो दोस्तों ये हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और दोस्तों अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए और 2012 से 23 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर विद टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज चाहिए, तो आप हमारी ऐप निमीज नेट ज़रूर डाउनलोड करना भाई, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोस है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई है। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं
वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, आईसीटी के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पाँच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कम्प्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।